कि अगर 10 राइड आप कंप्लीट कर दोगे तो 300 रुपए मिलेंगे। ये बात अभी अभी हमें बीएसके भाई ने बताई। 12 किलोमीटर के 99 रुपीस दिखाए, उस हिसाब से तो यार 5 रुपए 50 पैसे का रेट। भाई जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी से काम करना चाहता है वो ओला की बाइक टैक्सी चलाए, नहीं तो अपने घर जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कंपनियों को क्या हो गया है, इतने कम रेट क्यों दे रही है। भाई इसके लिए हम कहीं ना कहीं कहें ना तो राइडर ही जिम्मेदार है। मैडम बोल रही है ओला की स्कूटी बेकार है, इसीलिए नहीं बिकती है क्योंकि ये फुट रेस्ट नहीं लगाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तो भाई अपनी ओला आ चुकी है। जी हाँ, ओला को हम कल सर्विस स्टेशन से लेकर आ गए हैं। आई थिंक 2 दिन के अंदर हमारी ओला रिपेयर हो गई थी। और भाई रिपेयरिंग सेंटर की अगर बात करें तो मज़ा नहीं आया कुल मिला के। हमने उनको 3 पॉइंट बताए थे। एक, ओला की स्कूटी में दिक्कत थी, तो वो इसकी ECM में शायद दिक्कत थी, वो उन्होंने चेंज कर दिया, जिसकी अमाउंट उन्होंने 25,000 रुपये बताई। हालांकि हमारी रेंट वाली है तो हमें तो पे करना नहीं पड़ा। दूसरा, हमने उनको बताया था भाई ये हमारा लीवर टूटा हुआ है, इसको चेंज करने के लिए बोला था, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया। इसके अलावा हमारा चार्जर ख़राब था, उसको भी उन्होंने चेंज नहीं किया। तो चलिए आज करते हैं ओला के अंदर काम और देखेंगे आज शनिवार को ओला में कितना काम आएगा। भाई आज शनिवार का पूरा जोर है, ओला के अंदर कोई भी राइड नहीं आ रही है। और सुना है भाई आज पोर्टल के अंदर वो करवा चौथ का पर्व चल रहा है, यानी कि अगर 10 राइड आप कंप्लीट कर दोगे तो 300 रुपये मिलेंगे। ये बात अभी अभी हमें बीएसके भाई ने बताई है। भाई अभी बीएसके भाई को कॉल किया था तो उन्होंने कहा भाई मैं तो करवा चौथ वाला जो पोर्टर के अंदर प्रोग्राम आया हुआ है वो पूरा कर रहा हूँ कि कम से कम 300 रुपये तो कमा लूँ। खैर जो वो भाई उनको पूरा करने दो करवा चौथ का। हम एक काम करते हैं, खोल लेते हैं बाकी के ऐप भी, देखते हैं किसके अंदर काम आएगा। काम करने निकले तो किसी ना किसी में तो कुछ करके जाएंगे। रेट ना के बराबर आ रहे हैं। सेक्टर 126 की राइड आई है, हमने उठा ली, कोई बात नहीं भाई, रेट आए चाहे ना आए। सेक्टर 126 की भाई राइड उठाई है, आई थिंक 18 किलोमीटर के 100 रुपये मिल रहे हैं ओला के अंदर। वाओ मज़ा आ गया, इतने पैसे कहाँ रखूँगा। सोसाइटी के अंदर हम पहुँच चुके हैं और मैडम का हो रहा है इंतज़ार। और रेट अभी हमने कैलकुलेटर पे निकाला तो भाई 18 किलोमीटर के 99 रुपीस दिखाए, उस हिसाब से तो यार 5 रुपये 50 पैसे का रेट। ओ भाई ये तो वाकई भाई आपको थोड़ा बहुत हमसे लेना पड़ेगा, इतना पैसा कहाँ संभालूंगा मैं। तो भाई मैडम को उतार दिया भाई हमने SCL गेट नंबर 3 पर। और कमाल की बात यह है कि पहुंचने से पहले पहले ही ओला ने भाई हमें एक और राइड दे दी, आई थिंक 64 रुपये की थी। भाई धूप होती है ना आजकल तो फ़ोन की स्क्रीन में नज़र नहीं आता, बस उनको ड्रॉप किया है और ड्रॉप करके भाई अब दूसरे कस्टमर को पिकअप करने जा रहे हैं। कहाँ जाएगा कस्टमर ये भी नहीं पता, बस हमने एक्सेप्ट कर लिया। चलो इसको भी निपटाते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। तो भाई इस राइड को हमने कर दिया कंप्लीट और इसके अंदर 6.5 रुपये का रेट हमें मिला है। और इस राइड को करते हुए भाई एक बंदे का कॉल बार बार आ रहा था, तकरीबन 6-7 बार कॉल आया। जब कस्टमर को उतारा फिर हमने उसे कॉल किया, भैया क्या दिक्कत है। वो बोल रहा दिक्कत मुझे नहीं, आपको बताओ क्या दिक्कत। हमने क्या हो गया, बोला बोर्जो में एक ऑर्डर कर रखा है इतनी देर से और आप कॉल ही नहीं उठा रहे। हमें कहें बोर्जो में ऑर्डर कर रखा है भाई, वो DDID जो सुबह सुबह खोली थी ना वो शायद गलती से खुली रह गई और DDID के अंदर आपको पता है ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ गया। जब ऑर्डर हमने खोल के देखा तो भाई 7 जगह वो पार्सल जाने थे उसके, 1 kg का आइटम क्या था पता नहीं भाई, 7 जगह जाना था। साहिबाबाद जाना था, गाज़ियाबाद जाना था, नोएडा में भी एक जगह थी, लाजपत नगर जाना था, उसके बाद आगे आपका मालवीय नगर जाना था, उसके बाद वसंत कुंज जाना था, इस तरीके से भाई बहुत सारी जगह जाना था और उसमें विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा था। हमने कर दिया विड्रॉ। अब ओला के अंदर एक राइड आ गई है, अरे उठ जा उठ जा, किसी और भाई ने उठा ली, थोड़ी सी लेट करी और भाई कोई और लेके चला गया ओला की इस राइड को। 33 रुपये की ये राइड है, खैर कोई बात नहीं। तो भाई बोर्जो के उस ऑर्डर को हमने मार दिया विड्रॉ, वो कस्टमर ने कुछ चेंजिंग करी होगी ना तो विड्रॉ का ऑप्शन आया था बिना पेनल्टी के, बस बिना पेनल्टी के मार दिया विड्रॉ। और भाई अब ध्यानपूर्वक उस DDID को कर दिया है बंद। भाई 750 मीटर से ओला के अंदर एक राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है जिसकी अमाउंट है 44 रुपीज़। किलोमीटर सिलोमीटर बाद में बताएंगे। और भाई इसी के साथ तीसरी राइड कंप्लीट करके हमने 205 रुपये कमा लिए। और भाई मैडम की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, मैडम बोल रही है ओला की स्कूटी बेकार है इसीलिए नहीं बिकती है क्योंकि ये फुट रेस्ट नहीं लगाता है।
भाई काफी बाइक हमने झुकाई, देन उसके बाद मैडम को बैठाया। दोस्तों चार राइड के अंदर 250 रुपए का काम हम कर चुके हैं ओला के अंदर, और भाई रेट देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ओला ये बोल रहा है कि भाई जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी से काम करना चाहता है वो ओला की बाइक टैक्सी चलाए, नहीं तो अपने घर जाए। क्योंकि रेट जिस हिसाब से है उसमें पेट्रोल के पैसे घटाने के बाद तो भाई आपको कुछ नहीं बचेगा। तो या तो ओला की स्कूटी खरीद लो, किसी की भी खरीद लो यार, एथर पैथर किसी की भी, कुल मिला के इलेक्ट्रिक से चलोगे तो दो पैसे बचाओगे, नहीं तो सिर्फ पेट्रोल फूकोगे और कुछ नहीं। चलो भाई एक ऑर्डर और हमने सेक्टर 62 का ओला के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है भाई। 2 किलोमीटर दूर से बहुत देर हो गई थी खाली बैठे बैठे, हमने कहा भाई कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा खाली तो चलना ही पड़ेगा। तो भाई फाइनली इसी ट्रिप का हमें इंतजार था कि भाई हमें घर की तरफ की राइड मिल जाए, तो लास्ट में हमने ओला के अंदर होम लोकेशन लगा दी और हमें घर की तरफ की राइड मिल गई। और घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बैटरी 35% बची है, काम 303 रुपए का हो चुका है, ये एक लास्ट राइड है, 350-450 का काम हो गया है बिना किसी खर्चे के। दोस्तों लास्ट राइड करके हम भाई घर की तरफ चल पड़े हैं, और भाई लास्ट राइड थी 8 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर में हमको मिले हैं भाई 50 रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कंपनियों को क्या हो गया है, इतने कम रेट क्यों दे रही है। भाई इसके लिए हम कहीं ना कहीं कहें ना तो राइडर ही जिम्मेदार है। देखो इसकी शुरुआत हुई थी रैपिडो से, बहुत टाइम पहले रैपिडो ने जब ये प्लान निकाला था 9 रुपए का, 29 रुपए का, उसके बाद कहा था मैं कमीशन नहीं लूंगा, तो राइडर ने भर भर के वो लिया। तो उसके बाद भाई फिर ओला को गुस्सा आ गया, कंपटीशन तो है ही ना मार्केट में, तो ओला ने भाई 0% कर दिया। 0% करके ओला ने क्या किया, ओला ने भी रेट घटा दिए। फिर आई बारी उबर की, तो भाई उबर ने भी 25 रुपए कर दिया और रेट घटा दिए। क्योंकि इन सब कंपनियों ने एक चीज देखी भाई, रेट घटाने के बाद और थोड़ा सा आपका कान दूसरी तरफ से पकड़ने के बाद आप लोग कम रेट में भी काम कर रहे हैं, भाई इनको तो कंपटीशन करना ही है ना। इसलिए भाई इन्होंने क्या किया, सबने ही रेट कम करने चालू कर दिए, सबने ये दिखा दिया आपको कि देखो जी हम कमीशन नहीं ले रहे, हम 5 रुपए ले रहे हैं, हम 10 रुपए ले रहे हैं, हम 25 रुपए ले रहे हैं, हम 9 रुपए ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको समझाया और भाई रेट कम करके आपसे काम करवाया। कुल मिला के अब ये कहे कि कंपनियां गलत है, तो हमारी नजर में तो भाई कंपनियां नहीं राइडर ही गलत है। और अब बहुत देर हो चुकी है, हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस लाइन के अंदर ना राइडर कीड़े मकोड़ों की तरह भाई भरे पड़े, इतने राइडर हो गए हैं ना, आप नहीं उठाओगे तो कोई और उठाएगा, सीधी सी बात है। भाई चुपचाप से काम करे जाओ, क्या पता ऊपर वाला अच्छा दिन लाए, कभी अच्छे दिन आपको नसीब हो जाए और अच्छे रेट नसीब हो जाए। बाकी तो रेटों के लिए तो चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो 5-5.5 रुपए का रेट देती है, लेकिन उसके अंदर भी ऑर्डर नहीं रुकते हैं, तुरंत उसके अंदर ऑर्डर कोई ना कोई राइडर एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे कोई दूसरी कंपनी है जो कि 8-9 रुपए किलोमीटर का रेट दे रही है, उसके ऑर्डर भी उठ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई एक दिन ये आएगा कि जो 8-9 रुपए का रेट दे रही है कंपनी, उसको लगेगा यार जब उसके ऑर्डर 5 रुपए में उठ रहे हैं तो मैं काहे को फालतू में अपने रेट बढ़ाकर अपने कस्टमर खराब करूं। उस दिन भाई वो भी क्या करेगा, वो भी रेट घटा देगा। जिम्मेदार कौन हुआ, हम और आप। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, और जाते जाते आप सभी लोगों से कहते हैं जय हिंद जय भारत।